नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nothing Phone 2A 5G versus Vivo Y200 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 2A 5G में 6.37 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 2A 5G में 3 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 2A 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 2A 5G में 0.34 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 2A 5G में 190 ग्राम जबकि Y200 Pro 5G में 172 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 2A 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि Y200 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 2A 5G में 6.7 इंचेस जबकि Y200 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2A 5G में 1084x2412px FHD जोड़ और Y200 Pro 5G में 1080x2400px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2A 5G में 87.8% जबकि Y200 Pro 5G में 90.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 2A 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200 Pro 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 2A 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Y200 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 2A 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y200 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 2A 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y200 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 2A 5G में माली G610MC4 जबकि Y200 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 2A 5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 और Y200 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो 2A 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB, 8 GB, 12 GB की RAM मिलती है, जबकि Y200 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 2A 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB, 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y200 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
2A5G में 3 कलर्स जबकि Y200 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 2A5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y200 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Nothing Phone 2A5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए Vivo Y200 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y200 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 2A5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V29 5G है, दूसरा Vivo V29 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।